एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू वाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का एल्गोरिथम अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने एल्गोरिथम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे रन हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि ये एक रो है जिसको हम कहेंगे रो वन, ये रो नंबर टू है, ये रो नंबर थ्री है, यानी ये पूरी रो है। अगर हम पहली रो की बात करें तो इसमें कितने कॉलम हैं, ये एक कॉलम है। रो टू में अगर हम बात करें एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। रो थ्री की अगर हम बात करें तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रो नंबर वन है तो एक कॉलम, टू है तो दो कॉलम, थ्री है तो तीन कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो के नंबर के अकॉर्डिंग ही कॉलम नंबर चल रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री। तो इसको अगर हमें डू वाइल लूप से सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये फिक्स्ड है कि तीन रो हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, वन से लेकर थ्री तक एक लूप चलाया आई का, जिसमें इंक्रीमेंट करते रहे हम, यानी कि वन से लेकर थ्री तक कैसे जाएगा वो प्लस वन होते हुए, यानी वन फिर टू फिर थ्री। अब इस लूप के अंदर यानी पहली जब रो चल रही होगी, जब जब आई की वैल्यू वन होगी तभी लूप चलेगा जे का। तो जे का लूप कैसे चलेगा, जितनी आई की वैल्यू होगी उतने के बराबर, यानी आई की वैल्यू पहली बार वन होगी तो एक बार चलना चाहिए, जब टू होगी तो दो बार चलना चाहिए, जब थ्री होगी तो थ्री बार चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने वन से लेकर आई तक लूप चलाया। अब आई कितना है, वन, तो वन से वन तक एक बार, जब आई टू होगा तो वन से टू तक दो बार, जब आई थ्री होगा तो वन से थ्री तक तीन बार। तो पहली बार में जब आई की वैल्यू वन होगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो जे कितना चलेगा, वन से लेकर आई तक, आई मतलब वन, तो जे चलेगा वन से लेकर वन तक, और प्रिंट क्या होगा, स्टार, ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगली बार में क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी टू, आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये जे कितना चलेगा, वन से लेकर आई तक यानी कि टू तक, वन से लेकर टू यानी कि दो बार, दो बार क्या प्रिंट होना है, स्टार, तो ये एक और ये दो स्टार प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू यहाँ पर चली वन और टू। अगली बार में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर से, वो हो जाएगी थ्री, तो थ्री के लिए वन से लेकर थ्री तक आई इक्वल टू थ्री हो गया, तो जे की वैल्यू कितनी है, वन, टू और थ्री, ये तीन बार चलेगा, वन, टू और थ्री, प्रिंट क्या करेगा, स्टार। तो इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट होता चला जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।